हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद नीलम। आज मैं आपको छह गले के पेटीकोट की कटिंग सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी वे में होगी और जिसे बिगनर भी बड़े आराम से कर पाएंगे। तो मेजरमेंट जान लेते हैं। पेटीकोट के लिए हमें दो नाप चाहिए होते हैं, कमर का और लंबाई का। लंबाई है हमारी 33 इंच और कमर का नाप है हमारा 36 इंच। अब इसकी सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट निकालने का तरीका होता है पैंट होती 2 इंच की, तो उसे हम डबल करके निकालते हैं 4 इंच और सिलाई का जो मार्जिन होता है दोनों तरफ ये आधा आधा इंच, तो कुल मिला के 1 इंच सिलाई का मार्जिन हो गया, 4 इंच की पैंट होगी, कुल मिला के 5 इंच हमें इसमें से कपड़े में निकालना है। और ये कपड़ा है हमारा 2 मीटर जिसे हमने 4 हिस्सों में फोल्ड कर दिया। ये एक और एक दो और दो ये 4। लंबाई में पहले फोल्ड करा, फिर चौड़ाई में फोल्ड करा, फोल्ड तरफ अपनी तरफ रखना और खुले तरफ सामने रखना। अब सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे, लगाएंगे निशान बेल्ट का। बेल्ट है हमारी 5 इंच, तो 5 इंच में हम निशान लगाएंगे। यहां से हम लेंगे 5 इंच और यहां से भी लेंगे 5 इंच और ऐसे ही यहां पे 5 इंच और इसको हम आपस में मिला देंगे। ये हमारी बेल्ट का कपड़ा निकल गया। इसे हम काट के अलग कर देंगे। इसमें हम जोड़ लगा देंगे। जोड़ लगाकर यहाँ से जितने बेल्ट चाहिए होगी वो बेल्ट हम इसमें ऐसे फोल्ड करके ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। ऐसे हम साइड कर देते हैं। और अब बेल्ट निकालने के बाद अब हम पेटीकोट की लंबाई का निशान लगाएंगे। पेटीकोट की लंबाई है हमारी 33 इंच, जिसमें हमने 2 इंच की बेल्ट निकाल ली, रह गया 31 इंच। 31 में हम आधा इंच सिलाई का जमा करेंगे जो कि हो जाएगा 31.5 इंच। अब हम 31.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इसको आपस में मिला देंगे। और जो ये कपड़ा बचा है 2 इंच का कपड़ा है, ये हमारा ऐसे डबल फोल्ड होके ये बॉटम हमारी मुड़ जाएगी, तो तैयार नाप हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब हम कलियों का हिसाब बताएंगे। कलियां हम निकालने का मेथड इस तरह है, जो हमारी कमर का नाप होता है उसमें हमें 4 इंच जमा करना होता है। कमर का नाप है हमारा 36 इंच, उसमें हमने 4 जमा किया जो कि हो गया 40 इंच। अब इसको 8 से हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आ जाएगा 5 इंच। 5 इंच कली की चौड़ाई होगी जिसमें हम आधा इंच सिलाई का जमा करेंगे, तो कुल मिला के 5.5 इंच हो जाएगा। और जिसको हम लगाएंगे अब हम एक साइड, ये बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। अब इस कोने से हमें 5 इंच का निशान लगाना है। ये मैंने 5 इंच का निशान लगाया और इसमें हमें सिलाई का मार्जिन भी रखना है जो कि आधा इंच होगा दोनों तरफ से, तो आधा इंच कर देंगे, 5.5 का हम इसे निशान लगा देंगे। यहां से निशान लगाएंगे 5.5 का। अब ऐसे ही हमें इस साइड पर, इस कॉर्नर पर 5 इंच का अपोजिट, इसके अपोजिट ऐसे अपोजिट यहां पर 5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने निशान लगाया, यहाँ 5 लगाया, 5 और आधा इंच मार्जिन 5.5, ये 5.5 भी हमने निशान लगा दिया। अब इसको कैसे करना है निशान लगाकर, फुटर की मदद से हमने इस पे निशान लगाना है डॉट डॉट कर और इसको इस निशान से मिला देना है। ये हमने तिरछा निशान लगा दिया और अब इस तरह से निशान पर हम कटिंग करेंगे। चार कलियां तैयार हो गई, 1, 2, 3 और ये 4, और ये हमारी 2 कली तैयार हुई है। 1, 2 ये 2 इसलिए तैयार हुई है, बड़ी कली होती है। यहां से हमारा फोल्ड है, अब फोल्ड को हम काटेंगे। ये खोलने पर ऐसे ये बड़ी गली की होती है,
ये बड़ी कली हो गई और ये हमारी आज इधर से उधर की हमारी छोटी कली हो जाती है, जो कि लगने में हमारी ऐसे लगेगी, इस तरह ये लगेगी। ये देखिए एक इधर लगेगी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। दो पीस हम अलग कर देंगे, एक पीस ऐसे लेंगे, एक पीस हमारा ऐसे लग जाएगा और एक पीस हमारा ऐसे लग। ध्यान ये रखना है हमने कि जो ये पूरे तरफ है, जो तिरछा है ना, ये तिरछा कि तिरछे से नहीं जोड़ना, हमने इसको इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे ये ऐसे जोड़ेगा, इस तरह हमारा ये जोड़ेगा। जो हमारा तीन कली बन जाएंगी, एक कली ये, एक बड़ी कली, एक छोटी कली, दो छोटी कली होगी, बीच में बड़ी कली होगी, इस तरह होगी। अब तीन कलियों को सीधा करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि जो तिरछी तरफ होता है वहां से थोड़ा बढ़ जाता है कपड़ा, तो उसको सीधा कैसे करेंगे। हम कली को ऐसे बिछाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, और जो फालतू कपड़ा है इसको हम छटाई कर देंगे। इस तरह इससे हल्की सी हमारी पेटकोट में गोलाई से आ जाती है, लेकिन इससे लंबाई कभी कम नहीं होती, क्योंकि लंबाई तो ये मानी जाती है। और ऐसे ही हम इस साइड की जो इसकी होती है इसको हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे हमने इसको यहाँ पे छटाई करी, ऐसे फोल्ड किया, अब इस साइड घुमा देंगे इसको और इसको भी देख लेंगे, जो ये थोड़ा बहुत शेप सही करनी होती है वो हम यहाँ से कर देंगे। ये देखिए हल्की सी छटाई होती है, अब ये कली बिल्कुल सीधी हो गई। मैंने आपको इतना आसान तरीका बताया कि आपको कहीं भी इसमें झोल नहीं पड़ेगा। ये देखिए ऐसे ही हम बड़ी, ये दो छोटी कली है इसकी हमने गोलाई कर ली, ऐसे हम दो बड़ी कली है जो उसकी भी गोलाई कर देंगे। ये हमारी दो ये वाली बड़ी कली है, इनको भी ऐसे फोल्ड करेंगे, आपस में चारों पीस को अच्छे से मिला लेंगे, देखिए, और फिर इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, ऐसे करके ऐसे मिला। अब आप देख रहे होंगे यहां से कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि तिरछा है, इस साइड पे हमारा तिरछा कपड़ा है, क्योंकि तिकोना करके काटा है तो तिरछा होता है, वो हमारा फैलता है, तो उसकी शेप सही लेने के लिए हम इसको ऐसे छटाई कर देंगे। अब ये खोलने पर देखिए बिल्कुल सही आया है, ऐसे ही इसको इस साइड से भी हम ऐसे पलट लेंगे, और जो ये देखिए ये इतना सा जो कपड़ा है बाहर निकल रहा है इसको भी हम ऐसे छटाई कर देंगे। ये हमारी बड़ी कली भी तैयार हो गई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम इसे जोड़ना बैठेंगे, जब सिलाई करेंगे, तो ये तिरछा है इस तरफ, दोनों तरफ हमारा तिरछा होता है, बड़ी कली भी दोनों तरफ तिरछा है, तो जो हम ये जो छोटी कली है जो हम जोड़ेंगे इस पर हम पहले से निशान लगाएंगे। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि जो तिकोना वाला पीस है ना, तिकोना वाला, ये देखिए ये तिरछा है और ये सीधा है, ये सीधा है, सीधे में हम ऐसे करते हैं तो हमारा खिंचाव नहीं आता, लेकिन तिरछे की पहचान नहीं होती है कि हम इसे ऐसे करेंगे, ऐसे झटकेंगे ना, तो ये आग ए देखिए इसमें उरेपना होता है तो ये बढ़ जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम जब जोड़ेंगे हम, तो हम सीधी तरफ से जोड़ेंगे, एक ये वाली कली बड़ी वाली कली हमारी होगी तिरछी, और ये जो छोटी वाली कली होगी वो हमारी होगी सीधी, तिरछी हमारी भाग की तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी, तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। जैसे ये गली है, एक निकाल दी मैंने, ये गली है, इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे। ये देखिए अब जरा भी कहीं से भी आपको कपड़ा कम या ज्यादा नजर नहीं आएगा, ये देखिए बिल्कुल इक्वल हो गया, क्योंकि हमने छटाई कर दी इसकी, छटाई करने से हम पहले छटाई कर देंगे तो हमारी सिलाई में बहुत सफाई आएगी और कलियां एकदम एक जैसी जुड़ेंगी। ये देखिए बिल्कुल इक्वल आएगी, फिर हम इसे ऐसे करेंगे, जोड़ेंगे इसके, तो ये देखिए
ये देखिए कोने से कोना पूरा मिल जाता है और फिनिशिंग ऐसे आएगी। और ऐसे हम दूसरी तरफ करेंगे, जैसे हमने यहाँ लगाई है ऐसे हम इसकी दूसरी जो कली है उसको भी ऐसे जोड़ेंगे हम। ये हमारा कन्नी वाला पास है, ये वाला कन्नी वाला, इसको हम ऐसे रखेंगे और जो उरेर है उरेर को हमारा ये ऐसे करके बाहर चला जाएगा। ये देखिए इसकी भी देखिए आप ये जोड़ेंगे ना ऐसे करके, तो इसको बाहर निकालेंगे ऐसे करके, ये देखिए बिल्कुल इक्वल आया है। अब इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये भी ऐसे ऐसे हमारी करके तीन कलियां तैयार हो जाएंगी। ये देखिए एक कली ये, एक बड़ी वाली कली, एक छोटी कली, इस तरह हमारा एक तरफ का ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ऐसे में दूसरी तरफ भी क्वेश्चन तैयार करना है। अब नीचे के मोड़ने के लिए हम यहां से ही नीचे ऐसे करके मोड़ेंगे। ये हमारी पैट हुई और ये हमारी पेटीकोट का कटिंग। आशा करती हूँ आपको कटिंग समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगी। अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, कमेंट से मुझे मालूम ही पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी पेटीकोट की स्टिचिंग सिखाऊंगी, बहुत इजी मेरी वीडियो में होगी वही, और वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, जो बिगनर्स के लिए होगी, जिन्हें थोड़ा बहुत आता है वो भी सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।